गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। एंड आई एम योर क्लास टीचर फराह मैम, एंड दिस इज़ क्लास फर्स्ट उर्दू बुक। सो टेक आउट एवरीवन पेज नंबर 17 नाउ, चैप्टर, सॉरी पेज नंबर 15 नाउ, फोर्थ चैप्टर इज गोइंग ऑन। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, जुमले पढ़िए। ये जग किसका है, बस पर मत चढ़, अब तो चुप रह ले। दिस वन आई हैव गिवन होमवर्क फॉर रीडिंग। सो इसी से रिलेटेड मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रेडी किया है, जो आप लोगों को करना है। तो आप लोग पहले कॉपी निकालिए, टेक आउट एवरीवन कॉपी एंड राइट टुडेज डेट। फर्स्टली राइट CW एंड टुडेज डेट, देर आफ्टर यू गिव हेडिंग, खाली जगहों को भरो। ये हेडिंग लिखना है, उसके बाद मैंने 8 क्वेश्चन दिया, जैसे कि नंबर 1, बस पर डैश मत चढ़, बस पर डैश चढ़, ये डैश उसका था, अब डैश मत कर, हर दम डैश पर रह, ये बार डैश है, डैश से मत लिख, डैश से चल जल ले आ, घर डैश मत रुक। अब इसमें हम लोगों को फील करना, क्या फील करना, जैसे बस पर डैश मत चढ़, तो यहाँ पे होगी मत, बस पर मत चढ़, ये डैश उसका था, तो ये यहाँ पे आपको खत लिखना है, तो होगा ये खत उसका था। नंबर 3, अब डैश मत कर, अब जीत मत कर, हरदम डैश पर रह, तो यहाँ पे आपको लिखना है हक, हरदम हक पर रह, ये बात डैश है, ये बात सच है, डैश से मत लिख, यहाँ पे आपको निब लिखना है, निब से मत लिख, डैश से जल ले आ, नल से जल ले आ, घर डैश मत रुक, यहाँ पे पर लिखना है, घर पर मत रुक। और हाँ, आप लोग एक इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी, क्योंकि ये आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उर्दू का फुल स्टॉप है। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं कोई भी जुमला लिखने से, ऐसे करके देते हैं फुल स्टॉप, इस तरह उर्दू में एक सेंटेंस कंप्लीट होती है, तो हम लोग ये ऐसे बस पर मत चढ़, या आपको ऐसे फुल स्टॉप देना है, ये खत उसका था, इस तरह से ऐसे आपको फुल स्टॉप ऐसे देना है, ये उर्दू का फुल स्टॉप। तो हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको ये फुल स्टॉप देना है, ठीक है? ये आपका क्लास वर्क है, आपको ये करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।